शिव के श्रृंगार में छिपे रहस्य। श्रृंगार का नाम सुनते ही मन में सबसे पहला ध्यान आता है 16 श्रृंगार में सजी किसी महिला की तस्वीर का। लेकिन आज इंडिया पुराण पर हम आपको बताएंगे देवादिदेव महादेव शिव के 16 श्रृंगार के बारे में, और साथ ही भोलेनाथ का ये श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताएंगे। चूड़ी बिंदी या फिर सिंदूर से श्रृंगार नहीं, बल्कि शिव शंभू का सबसे अलग श्रृंगार है और महादेव के श्रृंगार का विशेष महत्व भी है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं महादेव के श्रृंगार में उपयोग आने वाली सामग्री। बभूत, बेलपत्र, डमरू, त्रिशूल, अर्धचंद्र, जटा, शिव के जटाओं से निकलती गंगा, नाग, त्रिनेत्र, नंदी बैल, शरीर का नीला रंग, वस्त्र के लिए बाघ की खाल, भांग, दूध, दही और रुद्राक्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपको एक एक कर शिव के श्रृंगार के बारे में वर्णन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव अपने पूरे शरीर पर विभूति लगाते हैं, और यही वजह है कि शिव का दूसरा नाम महाकाल है, जो जन्म मरण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में बाघ का खाल अत्यंत शक्तिशाली दर्शाता है। शिव की जटा वटवृक्ष को दर्शाती है, तो वहीं जटाओं से एक धार में निकलती गंगा धरती को विनाश से बचाने का प्रतीक है। अर्धचंद्रमा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहना दर्शाता है। देवादिदेव महादेव का त्रिनेत्र गौरी, लक्ष्मी और काली का प्रतीक है। बाबा के गले में लिपटा सर्प भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाता है। अब बात करते हैं शिव शंकर के हाथ में विराजमान त्रिशूल और डमरू की। त्रिशूल इच्छा, काम और ज्ञान का प्रतीक है, तो वहीं डमरू बजने से आकाश, पाताल और धरती एक लय में बंध जाते हैं। शिव जी के श्रृंगार में शामिल रुद्राक्ष की कहानी ऐसी है कि शिव जी संसार के लिए कई सालों तक तप किए, और तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी, जो रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। शिव जी को बेलपत्र, भांग, दूध, दही अति प्रिय है, और ये सभी शिव जी के प्रिय हैं।